Hello guys, welcome back to Medical Bubble channel. And in today's lecture, we are going to learn about the gametogenesis. So, what is the gametogenesis? Now, gametogenesis का मतलब क्या है? सबसे पहले ये देख लेते हैं. Genesis. So this gametogenesis word is contained to this whole word contained to sub word. That one is the gameto and another one is the genesis. That means there are two word. One is the gamete and one is the genesis. What is the meaning of gamete? Gametes मतलब क्या होता है? Gamete cell, gametic cell या gamete में आपका sperm हो सकता है, ठीक है? और इसमें आपका ovum हो सकता है, ठीक है? So gamete में आपका क्या हो जाएगा? Sperm, ovum और genesis का मतलब जो हो जाएगा वो formation हो जाएगा, ठीक है? तो now the complete definition क्या इसकी हो जाएगी कि gamete formation whether it is sperm or it is ovum. Now, so हम इसमें gametogenesis में क्या लिख सकते हैं? ये हम यहाँ देखते हैं, the formation of gamete from gamete mother cell, that is GMC, is called gametogenesis, ठीक है? क्या है कि gamete mother cell से जो भी आपका gametes form हो रहा है, ठीक है, चाहे वो sperm हो चाहे ovum हो, उसको हम क्या कहेंगे? Gametogenesis कहेंगे. फिर दूसरी बात हम कहते हैं कि gametogenesis जो है हमारा, gametogenesis क्या है? Hormone regulated process है, ठीक है? हॉर्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस. अब देखिए, हॉर्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस में कौन कौन से ऐसे हॉर्मोन्स हैं जो गैमेटोजेनेसिस को रेगुलेट करते हैं? तो इसमें सबसे बढ़िया जो है वो है GnRH आपका नाम आएगा. इसके बाद आपका आएगा LH नाम आएगा और FSH नाम आएगा, ठीक है? यू नो अबाउट दैट. These two, three hormone, GnRH is the gonadotropin releasing hormone and LH is the luteinizing hormone and FSH is the follicle stimulating hormone. Now, अब एक और बात करते हैं, gametogenesis जो process है, वो हमेशा कहाँ पर चल रही होती है, आपको पता होना चाहिए. तो gametogenesis जो है, जो चल रही होती है, वो कहाँ पर चल रही होती है? Primary sex organs के अंदर चल रही होती है, ठीक है? तो gametogenesis जो है आपकी प्रोसेस वो कहाँ पर चल रही होती है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन. अब हम बात करें, अगर हम इसको बात करें मेल के अंदर, तो मेल के अंदर कहाँ पर चलेगी? ये टेस्टिस के अंदर. और अगर हम बात करें फीमेल के अंदर, तो ये कहाँ पर चलेगी? ओवरीज के अंदर चलेगी, ठीक है? तो वेदर इट इज डिपेंडिंग अपॉन द कि कहाँ पर चल रही है, मेल के अंदर टेस्टिस में और फीमेल के अंदर ओवरीज में चल रही है. दूसरी बात हम क्या देखते हैं कि ये हॉर्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस तो है ही, अपार्ट फ्रॉम हॉर्मोन रेगुलेटेड प्रोसेस, इसमें आपको वाइटामिन के एंड वाइटामिन ई जो है, इनकी जरूरत जो है पड़ती है, ठीक है? वाइटामिन ई एंड वाइटामिन ए एज वेल एज, ठीक है? तो इसमें जो मेजर विटामिन है वो वाइटामिन ए ई एंड वाइटामिन ए जो है वो मेजर विटामिन है जिनमें गैमेटोजेनेसिस की जरूरत पड़ती है. फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आ जाएगा कि गैमेटोजेनेसिस के टोटल कितने फेजेस होते हैं, ठीक है? तो गैमेटोजेनेसिस के जो फेजेस होते हैं, ठीक है, इसको आप एक बार देख लीजिए. गैमेटोजेनेसिस के जो फेजेस होते हैं वो कितने होते हैं टोटल? गैमेटोजेनेसिस के टोटल फेजेस जो होते हैं वो होते हैं 3, ठीक है? तो गैमेटोजेनेसिस के टोटल फेजेस कितने होते हैं? 3 होते हैं. तो सबसे पहला जो फेज होता है गैमेटोजेनेसिस का, दैट इज द मल्टीप्लीकेशन फेज. सबसे पहला फेज होगा उसको हम बोलेंगे दैट इज मल्टीप्लीकेशन फेज. ओके, सो फर्स्ट फेज ऑफ गैमेटोजेनेसिस इज द मल्टीप्लीकेशन फेज एंड नंबर सेकेंड फेज इज अ ग्रोथ फेज, ठीक है? सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है और उसके बाद क्या है, ग्रोथ आपको दिखाई देगी. एंड नंबर 3 इज मैच्योरेशन फेज, ठीक है? तो यहाँ पर 3 आपको फेज दिखाई देंगे. कौन कौन से 3 फेज दिखाई देंगे? सबसे पहला मल्टीप्लीकेशन फेज, देन ग्रोथ फेज एंड देन मैच्योरेशन फेज आर देयर. अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस का टाइप कितने कितने होते हैं. तो गैमेटोजेनेसिस इज ऑफ 2 टाइप, क्योंकि जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो भी 2 टाइप का है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. तो गैमेटोजेनेसिस दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज ऑफ 2 टाइप,
ठीक है, गैमेटोजेनेसिस आपका एक हो जाएगा स्पर्मेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या हो जाएगा ऊजेनेसिस, ठीक है ऊजेनेसिस। तो दो तरीके का आपका यहाँ पर गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा, वन इज द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड वन इज द ऊजेनेसिस यहाँ पर हो जाएगा। नाउ सबसे पहले आज के लेक्चर में हम सबसे पहले जो डिस्कस करने वाले हैं, वी विल डिस्कस अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस स्पर्मेटोजेनेसिस, इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द ऊजेनेसिस, क्योंकि ऊजेनेसिस थोड़ा सा आसान नहीं है समझने में, पर स्पर्मेटोजेनेसिस आसान है। स्पर्मेटोजेनेसिस की आज हम क्या करेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस की डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस स्पर्मेटोगोनिया से बनता है। दूसरी बात हम इसमें करेंगे कि ये हार्मोन से कैसे रेगुलेट किया जाता है, कौन सा नेगेटिव या पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जो इसको रेगुलेट करते हैं, कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो रेगुलेट इसमें करते हैं। तो चलिए आज हम इसमें यही बात कर लेते हैं डिस्कस कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या, ठीक है। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। ऑलराइट, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द स्पर्मेटोजेनेसिस। सो वी आर स्पर्मेटोजेनेसिस, तो स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म इन टेस्टिस, ठीक है, टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन हो रहा है फ्रॉम स्पर्म मदर सेल इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस। तो यहां पर हम सिंपल सी डेफिनेशन इसकी ये लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ को आप सिंपली स्पर्म भी लिख सकते हो और मेल गैमिट भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ फ्रॉम स्पर्म मदर सेल, जिसको आप शॉर्ट में SMC भी बोल सकते हैं, इन टेस्टिस इज कॉल्ड स्पर्मेटोजेनेसिस। अभी देखो इससे इसे जानने से पहले